तो हमारा पराठा दूसरा बन के रेडी है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए पनीर के पराठे, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है आम का अचार और ये है सॉस। और मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ साइड से कट करके, थोड़ा सा देखना। सॉरी, ज़्यादा टूट गया ये। ये देखिए, पतले का पतला, और पनीर इस तरीके से इसके अंदर है, देखिए। और ज़्यादा मैंने ऑयल ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं किया, हल्का मैंने घी लगा रखा है, बस हो गया। तो आइए वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। तो यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सवेरे से। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद, रेडी होने के बाद, अब जा रहे हैं हम किचन में। चलिए, और फटाफट से, सवेरे का टाइम है, ऑफिस वालों को ऑफिस जाना है, तो इसलिए फटाफट से हम बनाते हैं आज पनीर के पराठे। ठीक है, आइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह सवेरे मैं बना रही हूँ आज। देखिए, अब ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। इसमें मैंने नमक और अजवाइन मिक्स किया है, और ये आटा सूखा, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और प्याज पतला बिल्कुल बारीक चॉप करके कट किया है, और बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो यहाँ पे पनीर को फटाफट से क्या कर लेते हैं, हम कद्दूकस कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, फटाफट से कीजिए क्योंकि लेट हो रही है, तो मैं फटाफट से कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कद्दूकस करके मैंने मिक्स कर दिया, इस तरीके से बना दिया, आप देख सकते हैं। अब फटाफट क्या बनाते हैं, लोई। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड। यहाँ पे बनाते हैं लोई। ये देखिए, लोई बन चुकी है, तो इसको इस तरह फिल कर लूंगी मैं। रखते जाऊंगी फटाफट बना के। दूसरा भी हो गया। थर्ड भी हो गया। ये देखिए, लोई बना के साइड में रख देती हूँ, जिससे जल्दी हो जाती है बनाने में, देरी नहीं लगती है ना, इसलिए साइड बना के रख दो और फटाफट बेलते जाओ और पकाते जाओ। फिर ये बन गया हमारा चौथा। तो यहाँ पे बेलना शुरू करते हैं। पहले हल्के हाथ से ना ऐसे हाथ फेर लें, ताकि वो अच्छे से ना ऐसे हो जाए। ठीक है, अब हल्के हल्के हाथों से बेलना, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ताकि फटे ना पराठा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पराठा बनके रेडी है। सेकंड भी बना लेती हूँ, जब तक तवा गर्म होता है, सेकंड भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड पराठा बनके भी रेडी है, फटाफट से देखते हैं तवे को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तवा रख दिया, थोड़ा सा मैं घी फेर लूँगी और यहाँ पे डालती हूँ पराठा। पहले ही क्योंकि मैंने गर्म कर लिया था तवा, इसको पकने देती हूँ अच्छे से। तो ये पलट लिया मैंने फटाफट से, इसको लगाती हूँ मैं, और घी लगा दी, देखो ज़्यादा नहीं, कम लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि मैंने पहले से रख दिया था ना इसको।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला पराठा बनके हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आम का अचार, और यहाँ पे सेकंड पराठा बनाती हूँ, इसे दे के आती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बन गया सेकंड पराठा। तो इसको हम घी लगा के पलट देते हैं। और देखो लेयर देखो कितनी पतली आ रही है, टेस्टी एंड हेल्दी पराठा। अगर जो सब्जी ना खाए तो ऐसे खा लो, बढ़िया तो है ना, बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा पराठा और बनने को रेडी है। देखो ये भी बन जाएगा फटाफट से सुबह का नाश्ता तैयार। है ना? तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पनीर के पराठे बनके रेडी हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाए मैंने, और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, बीच में इस तरीके से आपको पफी पफी बिल्कुल पनीर मिलेगा, देखिए ऐसे। और अच्छे से मतलब बढ़िया से बना के उसके बाद मैं आप सभी लोगों को दिखा। तो इस चीज़ का पराठा या फिर आलू कभी कभी हफ्ते में दो बार तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। और दूसरी बात ये कि ये इतना मतलब अनहेल्दी भी नहीं है, हेल्दी है, क्योंकि देखो पनीर है और ज़्यादा मैंने ज़्यादा घी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, हल्का लगाया है घी भी, और अपना थोड़ा सा सॉस हो जाता है। और ये घर का बना आम का अचार, बस कभी कभी टेस्ट भी है और हेल्दी भी अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय।